ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड्स के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक एटीट्यूड्स के ऊपर है। एटीट्यूड्स क्या होते हैं, एटीट्यूड्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। अच्छा, अभी तक हमने बात की है परसेप्शन की। परसेप्शन कहते हैं कि आप किसी के बारे में एक माइंड सेट बना लेते हैं, एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं जिसके थ्रू आप दूसरों को इवेलुएट करते हैं, आप दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, एटीट्यूड जो है, अब उस अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर जो आपने डेवलप कर ली है किसी के मतलब, एटीट्यूड डिफाइन करते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग जब आपने किसी के मतलब डेवलप कर ली है, अब उस अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर अब आप फीलिंग क्या डेवलप करते हैं और आप बिहेव कैसे करते हैं। तो एटीट्यूड के अंदर परसेप्शन भी आ जाती है, प्लस उसके अंदर एक दो कंपोनेंट्स और भी आ जाते हैं। सो एटीट्यूड बेसिकली टेंडेंसी है एक इंडिविजुअल की टू परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब होता है एक ही अंदाज में, फ्रीक्वेंटली, इन द सेम वे। परसिस्टेंट होने का मतलब है सेम वे में फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और अ पर्सन विद विच इट इज रिलेटेड। यानी जिसको भी आप, जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं उसके बारे में आपने राय क्या कायम की है, आपकी परसेप्शन क्या है, उस परसेप्शन की बेस के ऊपर आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली, मेंटल स्टेट बेस्ड ऑन अ स्टेबल परसेप्शन, इसे कहते हैं परसिस्टेंस। आपकी फीलिंग क्या है और उस फीलिंग की बेस पे आपने बिहेवियर क्या प्लान किया है। ये फीलिंग जो है दैट कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ योर फेवर एंड डिसफेवर, दैट कैन बी योर लाइकिंग डिसलाइकिंग टुवर्ड अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, उसे हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस चीज के अगेंस्ट आप एटीट्यूड बिल्ड कर रहे होते हैं उसे हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप पे जरा एक मैसेज फेंक दें कि क्लास हैज स्टार्टेड, ठीक है। एनीवन, कोई आप में से एक मैसेज डाल दे, क्लास शुरू हो गई। तो बेसिकली हम एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं कि इट इज अ टेंडेंसी थ्रू विच एन इंडिविजुअल परसिस्टेंटली फील और बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, एनी सिचुएशन विद विच इट इज रिलेटेड। तो बेसिकली इन रियलिटी ये आपकी एक एक्सप्रेशन है फेवर या डिसफेवर की। आपका जो एटीट्यूड है दैट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर फेवर और डिसफेवर। देखिए, बड़ी अच्छी एक कॉमन सी एग्जाम्पल है। आप टीवी देख रहे हैं और टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल लगा हुआ है, यू आर वॉचिंग टीवी एंड देर इज नेट जियो चैनल, और उसके ऊपर आपने देखा कि एक शेर ने एक हिरन का शिकार किया और उसने मिनट में हिरन को चीर फाड़ दिया। अब जब आपने ये देखा तो आपका परसेप्चुअल प्रोसेस ट्रिगर हुआ और आपने एक राय कायम कर ली, आपने परसेप्शन डेवलप कर ली कि लायन इज अ डेंजरस क्रिएचर, शेर एक खतरनाक जानवर है। अभी आपकी परसेप्शन है, इसे कहते हैं पहला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है एटीट्यूड का, इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्योंकि एटीट्यूड की जो बुनियाद है ना वो आपकी परसेप्शन होती है। एटीट्यूड कम्स फ्रॉम योर परसेप्शन और परसेप्शन को आपकी एक्सपीरियंस शेप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है। तो चूंकि परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है तो आपके एटीट्यूड भी सब्जेक्टिव होंगे। बिकॉज योर परसेप्शन इज सब्जेक्टिव, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर इंटरनल फैक्टर्स, योर लर्निंग, योर हैबिट्स, योर मोटिवेशन, योर इंटरेस्ट। तो इसी तरह एटीट्यूड भी सब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, कॉम्पोनेंट तीन है एटीट्यूड के। पहला कॉम्पोनेंट है कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, दूसरा कॉम्पोनेंट है अफेक्टिव कॉम्पोनेंट, और तीसरा कॉम्पोनेंट है बिहेवियोरल कॉम्पोनेंट। So we have three components of attitudes: affective component, cognitive component, affective component, and behavioral component. अच्छा, मैं example दे रहा था कि attitude किस तरह से develop होते हैं। आप TV देख रहे हैं और TV देखते हुए आपने देखा कि National Geographic Channel पे एक lion ने, एक शेर ने हिरन का शिकार किया और उसने एक मिनट में हिरन को चीर फाड़ दिया। अब आप ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसेस के थ्रू, आपकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देख रहे हैं, तो आपकी सेंसेस एक्टिव हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसेस के थ्रू आपके दिमाग में जा रही है और आपने वहाँ पे एक परसेप्शन क्रिएट कर दी कि लायन इज अ डेंजरस एनिमल। जैसे ही आपने ये परसेप्शन क्रिएट की, आपकी फीलिंग्स डेवलप हुई, आपके इमोशंस ट्रिगर हो गए और आपने एक स्टेटमेंट पास की, आई डोंट लाइक लायंस, शेर मुझे पसंद नहीं है। अब ये फीलिंग है, ये इमोशन है, और जैसे ही ये फीलिंग और इमोशन डेवलप हुई, अब तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। अब आपने बिहेवियरल रिस्पांस प्लान करना है। आई विल रन व्हेनेवर आई विल सी अ लायन, जैसे ही शेर मेरे सामने आएगा मैं भाग जाऊंगा। अब ये बिहेवियरल कंपोनेंट है।
एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट से आती है, और ये वो इंफॉर्मेशन है जिसमें आपकी सेंसेस आपकी परसेप्शन को डेवलप करती हैं, बिलीफ परसेप्शन। वो इंफॉर्मेशन जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से ले रहे होते हैं उससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक परसीव करते हैं, तो दैट इज नॉलेज बेस्ड कॉम्पोनेंट, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट। जैसे एग्जाम्पल दी मैंने, यू बिलीव दैट लॉयन आर डेंजरस और क्रोकोडाइल्स आर डेंजरस। आपने परसेप्शन डेवलप कर ली कि शेर एक खतरनाक जानवर है। फिर दूसरा कॉम्पोनेंट है फीलिंग और इमोशनल बेस्ड कॉम्पोनेंट, जिसे हम अफेक्टिव कॉम्पोनेंट कहते हैं। अफेक्ट का वर्ड निकला है अफेक्शन से, फीलिंग से। ये वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं जो किसी भी चीज़ की तरफ आप डेवलप करते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। इन सर्टन सिचुएशंस आप डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स को डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फीलिंग के क्रोकोडाइल्स, यू आर स्केयर्ड ऑफ क्रोकोडाइल्स। अब ये देखें, स्केयर जो है ये एक फीलिंग है, बिलीव ये कॉग्निशन है, ये परसेप्शन है, और इसकी बेस पे अब आपने अपना बिहेवियोरल कॉम्पोनेंट प्लान कर लिया। बिहेवियोरल कॉम्पोनेंट डिटरमिन्स योर टेंडेंसी टू बिहेव और टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। अनलाइक द अदर टू कॉम्पोनेंट्स, जो ऊपर वाले दो कॉम्पोनेंट देखे आप, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट एंड अफेक्टिव कॉम्पोनेंट, ये दोनों कॉम्पोनेंट जो है ये हिडन होते, नजर नहीं आते। बिहेवियोरल कॉम्पोनेंट नजर आता है। जब आप एक बिहेवियोरल कॉम्पोनेंट को प्लान करते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं तो दूसरे को नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, I will avoid crocodile and I will run away whenever I see one. मैं क्रोकोडाइल्स को अवॉइड करूंगा और मैं फौरन भाग जाऊंगा जैसे ही मैं किसी एक को देखूंगा। तो अब ये बिहेवियरल कंपोनेंट है, अब आप बिहेव कर रहे हैं। Now you are behaving in a particular way. See? So attitude के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट दैट डील्स विद योर परसेप्शन, अफेक्टिव कंपोनेंट दैट डील्स विद योर इमोशंस, एंड बिहेवियरल कंपोनेंट दैट डील विद योर एक्शंस। ये आपके एक्शंस के साथ डील करते हैं। So there are three components of attitude, affective, cognitive, affective and behavioral. Paper में ये question 2-3 दफा आ चुका है। Types of components क्या होते हैं attitude के और इनको explain करना है आपने। अच्छा, organizations जो हैं ये दो किस्म के behaviors को encounter करती हैं workplace के ऊपर। एक होते हैं consumer behaviors और एक होते हैं instrumental behaviors. Consumer behaviors जो होते हैं they are driven by your emotions, they are driven by your affective component. टीवी पे आप एड्स देखते होंगे ना सारे, कोका कोला का एड याद है किसी को, जिसमें वो आपको बड़ा अच्छा एक माहौल दिखाते हैं, हैप्पीनेस का, टुगेदरनेस का, है? लोगों को दिखाते हैं, लोग खा पी रहे हैं, लोग एक बड़े अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं। यू हैव सीन दोज एड्स, वो एड्स देखे होंगे आपने। अब उसमें वो क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं कि कोक जो है ये एक टुगेदरनेस का फिनोमेना है, कोक पी के जो है वो आप खुश होते हैं, आप इंजॉय करते हैं इकट्ठे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताएंगे कि कोक पी के आप कितना शुगर कंटेंट इनटेक कर रहे होते हैं, कोक पी के आपकी जो बॉडी में कैल्शियम है वो कितनी जल्दी डिसॉल्व हो रही होती है। क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये एंगेज करते हैं आपके अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिवली ड्राइव करते हैं आपको। टीवी कमर्शियल्स जितनी भी होती हैं वो ज्यादातर कंज्यूमर बिहेवियर्स को ट्रिगर करती हैं। फिर अब वो जो मोमना वाला जो एड है कोक का, वो देखा आपने, कोका कोला तू, हाँ एग्जैक्टली दैट वन। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये दिखा रहे हैं ना नाच गाना और यू नो एक पुट टुगेदरनेस और हैप्पीनेस और वो सारे नाम, फिर कोक ट्रक आ जाता है, फिर सारे इकट्ठे कोक पीते हैं। वो कभी कोक के ऐड में आपको ये दिखाते हैं कि कोक में कितना शुगर कंटेंट है, इतनी शुगर इनटेक कितनी नुकसानदेह आपके लिए, यू नो गेट एक्सपोज टू अ रिस्क ऑफ बीइंग डायबिटिक व्हेन यू कंज्यूम टू मच ऑफ कोक। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो जब इसी तरह, फॉर एग्जांपल आपके बुक एग्जांपल देती है कि ईटिंग अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स बिकॉज यू एंजॉय द टेस्ट और रिलैक्सिंग ऑन अ सनी बीच बिकॉज यू एंजॉय द रेस्ट एंड द सेंसेशन, यू डू नॉट फोकस ऑन हाई शुगर कंटेंट और डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेज जो आप प्लेयर को ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं। लेकिन इंसानी फितरत है कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम अफेक्टिव ड्रिवन होते हैं, हम कॉग्निटिवली ड्रिवन नहीं होते। इसके बरक्स एक होता है इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर जो है दैट इज अ बिहेवियर जो किसी रैशनल गोल को अकम्पलिश करता है, दैट इज अ बिहेवियर विच लीड्स टूवर्ड्स अ रैशनल गोल। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है।
पेपर आपके सर पे है इस वक्त, मेहनत आपको करनी है, लेकिन आप फिर भी दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, तो ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर है। आप दोस्तों में इमोशनल होके, इमोशंस के थ्रू ट्रिगर होके आप दोस्तों के साथ कम्यूट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। आप कहें नहीं पेपर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, दोस्तों का क्या है, वो तो फिर पेपरों के बाद भी मिल जाएंगे, दोबारा हैंग आउट कर लेंगे। नाउ दैट इज़ वेयर योर इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोनेंट, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, दोनों को ब्लेंड कर देती हैं। जब इदारे कोई मार्केटिंग कंपेन लॉन्च करते हैं तो वो दोनों कंपोनेंट्स को ब्लेंड कर देते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर, लाइक कॉग्निटिव कंपोनेंट और इफेक्टिव कंपोनेंट, दोनों मिक्स होने चाहिए। इन ऑर्डर टू रन अ प्रॉपर बिजनेस, इन ऑर्डर टू मैनेज अ प्रॉपर बिजनेस, यू नीड टू ब्लेंड बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्केटिंग मैनेजर कोई मार्केटिंग कंपेन लॉन्च कर रहा है तो वो क्या करेगा, ही वुड सी कि क्या मार्केटिंग मटेरियल अट्रैक्टिव है, क्या सैंपल्स टेस्टी हैं, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक इंजॉयबल है, ये सारे अफेक्टिव कंपोनेंट्स को हिट करेंगे। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट योर अफेक्टिव कंपोनेंट। क्या मार्केटिंग कंपेन प्रॉफिट जनरेट करेगी, सेल्स आएंगी, क्या हम हाई प्राइसेस चार्ज कर पाएंगे, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। या टीवी पे आप एक ऐड देखते हैं, कंज्यूमर्स को भी हम दोनों किस्म की मैसेजेस में एंगेज करते हैं। टीवी पे आप एक ऐड देखते हैं किसी कुकिंग ऑयल का, फॉर एग्जांपल डालडा का ऐड आ रहा है टीवी पे। अच्छा, डालडा की ऐड में वो आपको दिखाते हैं कि जी विटामिन ए और डी से भरपूर है, वो आपको दिखाते हैं जनाब कि इसके अंदर ओमेगा थ्री है, इसके अंदर फिश लिवर ऑयल है, एवरीथिंग। अब ये है कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, वो आपकी रैशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ वो आपको एक बड़ा अच्छा फैमिली एटमोसफेयर दिखाते हैं, एक फैमिली सेटअप दिखाते हैं, लोग बैठे हुए हैं, जैसे एक बड़ी अच्छी फैमिली गैदरिंग दिखाते हैं ना, दैट इज योर इफेक्टिव कंपोनेंट। वो अब आपका इफेक्टिव कंपोनेंट टारगेट कर रहे हैं। सो बेसिकली वर्क प्लेस के ऊपर दोनों किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, अब एट टाइम्स यू नीड टू रिकग्नाइज कि लोग ज्यादा परसुएट किस कंपोनेंट से होते हैं। लाइक देर आर पीपल हु आर परसुएटेड बाय कॉग्निटिव कंपोनेंट और देर आर पीपल हु आर परसुएटेड बाय इफेक्टिव कंपोनेंट। यहाँ पे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किस हद तक लोग इमोशंस को समझते हैं, किस हद तक लोग जो है वो इमोशंस को रिएक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं एम्प्लॉयज या कस्टमर्स जो लेस डेवलप्ड होते हैं इमोशनली, जिनकी ईआई कम होती है, यानी ये लोग जो हैं ये इमोशनल क्यूज को रिएक्ट नहीं करते, इनके नज़दीक इमोशंस जो हैं वो इतने कोई डोमिनेंट नहीं होते, तो वो लोग जो इमोशनली लेस डेवलप्ड होते हैं दे रिस्पॉन्ड बेटर टू कॉग्निटिव बेस्ड मैसेजेस। उनके लिए मैसेजेस में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। और वो लोग जो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं इमोशनली, जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है, ये लोग जो हैं ये ज़्यादा जल्दी अफेक्टिव मैसेजेस को रिएक्ट करते हैं, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अफेक्टिव मैसेजेस से। इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं ना होता कि उनके कस्टमर्स जो हैं उनकी ई आई मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है या लो है, उन्हें पता नहीं होता कि उनकी ई आई हाई या लो है, तो वो फिर दोनों किस्म के मैसेजेस डाल देते हैं अपनी कंपेन के अंदर। वो कॉग्निटिव मैसेज भी देते हैं और वो अफेक्टिव मैसेज भी देते हैं। दे डू गिव कॉग्निटिव एज वेल एज इफेक्टिव मैसेज। दे मेक श्योर कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी जाए प्रोडक्ट के हवाले से, एंड दे ऑल्सो मेक श्योर कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन भी जाए कि वो मतलब क्या उनके इमोशंस होंगे, किस तरह वो एक फैमिली सेटिंग और फैमिली गैदरिंग दिखाते हैं। तो दे ट्राई टू गिव ऑल ऑफ दीज मैसेजेस, ये सारे किस्म के जो मैसेजेस हैं ये आपको देते हैं, ठीक है। बट दिस ये एक ऐड शेयर की है माजिद ने ग्रुप के ऊपर, बट अगेन दिस दिस ऐड एक्चुअली ये है इनकी सीएसआर, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फाइनल में जाके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सीएसआर के ऊपर। ये ऐड ऑन एयर नहीं हुआ, ये ऐड बना दिया यूट्यूब पे डाल दिया, किसी ने देखा तो जाके यूट्यूब पे, ये इसे कहते हैं क्लेवर मार्केटिंग, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लेवर मार्केटिंग, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी क्लेवर मार्केटिंग, अगर आप इस ऐड को प्ले करें, शेयर किया है माजिद ने ग्रुप के ऊपर, तो ये होती है क्लेवर मार्केटिंग कि आप कोका कोला के चलाने वालों को पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल है, ज़्यादा कंज्यूम करना सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक को अच्छा नहीं है सेहत के लिए, एंड दे हैव टू ऑल्सो इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली टेल दिस टू द कंज्यूमर्स। आप देखें कभी भी मैथ मीडिया पर यह ऐड नहीं चलेगा, ठीक है ना, मैथ मीडियम ये ऐड नहीं चलेगा, ये ऐड सिर्फ चलेगा
आपके इधर यूट्यूब के ऊपर, कि अगर किसी ने इनकाउंटर कर, अब देखे ना इस ऐड की ऑडियंस कितनी कम होगी, इसके बरक्स स्कोप का ऐड जो जियो पे चलता है या जो दुनिया न्यूज़ पे चलता है या जो हम टीवी पे चलता है उसकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा होती है। तो ये बड़ी क्लेवर मार्केटिंग होती है, इसे हम CSR कहते हैं। तो कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कि आप अपनी CSR भी पूरी कर लें और आपकी जो कस्टमर बेस है वो भी ख़राब ना हो, कस्टमर भी परचेज करता रहे और आप दुनिया को दिखा भी दें कि देखें जी हमने तो बता दिया कि कोक अच्छी नहीं है या कोक के अंदर ये बीमारियां फैलती हैं कोक से। बात समझ आ रही है ना? सो दिस इज हाउ दे डू। ये बड़े शातिर लोग होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग बड़े शातिर होते हैं। ये कोका कोला आज का ब्रांड है, कोई 105 साल पुराना ब्रांड है। 104, 2015 में इसने 100 ईयर्स मनाए हैं अपने, तो 104 साल हो गए कोक को। तो 104 ईयर्स ओल्ड ब्रांड हो, ऐसी मार्केटिंग तो वो करेगा ही ना फिर, ठीक है। सो बेसिकली अफेक्टिव कंपोनेंट है चाहे कॉग्निटिव कंपोनेंट, दोनों किस्म के मैसेजेस हमें देने पड़ते हैं। वेदर इट इज एन अफेक्टिव कंपोनेंट, वेदर इट इज एन इट्स अ कॉग्निटिव कंपोनेंट, वी हैव टू गिव बोथ टाइप ऑफ मैसेजेस, वी हैव टू गिव बोथ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि जो कंज्यूमर इमोशनली ड्राइव होने वाला है वो इमोशंस को पिक कर ले और जो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ड्रिवन है वो इंफॉर्मेशन को पिक कर ले, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कॉन्टिंजेंसी अप्रोच। ये वर्ड यहाँ भी आ गया दोबारा फर्स्ट चैप्टर वाला। यू एम्ब्रेस कॉन्टिंजेंसी एंड यू डिटरमिन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है और लोग जो इन्वॉल्व है उन पे डिपेंड करता है कि आपने कैसी कंपेन चलानी है, ठीक है ना। ये आपकी जो कंपेन, जो भी आप कंपेन चलाएंगे, इट विल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, द टाइप ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, उन पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंपेन क्या होगी, आपके मैसेजेस क्या होंगे, आप किस तरह उस मैसेज को पुट करेंगे, आप किस तरह उस मैसेज को एक कस्टमर तक पहुंचाएंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स जो डिटरमिन करते हैं और आपके डिसीजन को डिफाइन करते हैं, दैट हाउ आर यू गोइंग टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट, हाउ आर यू गोइंग टू एक्चुअली लीड टुवर्ड्स द पेस। ओके, पेपर में एक क्वेश्चन और आ चुका है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड दो किस्म के होते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर कमिंग अटेम्प्ट। इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स वो होते हैं जिनके बारे में आपको भी पता नहीं होता, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स वो होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है, यू आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ योर एटीट्यूड्स। नॉर्मली एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स जो हैं ये बाइपोलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई लेट से कोई दोस्त है या कोई ऐसा लेट से कोई ऐसा फैमिली दूर की फैमिली का कोई मेम्बर है फॉर एग्जाम्पल जो आपको नहीं पसंद, एंड यू वेरी क्लियरली नो कि मुझे ये बंदा नहीं पसंद, या हो सकता है किसी को आप ना पसंद हो फॉर एग्जाम्पल, और वो उसे बड़ा क्लियरली पता है कि आप उसे पसंद नहीं है। तो किसी भी महफिल में यू विल अवॉइड दैट पर्सन, यू विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन, दिस इज योर एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, यानी आप कॉन्शियसली अवेयर हैं अपने एटीट्यूड के मुतल्लिक। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स को हम मैयर कर सकते हैं सेल्फ टेस्टिंग से, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, आपने डिस्पेंसिंग फ्रिज खोली, पानी पीना है आपने, और आपने नेस्ले की बोतल पकड़ ली, ठीक है। यू जस्ट पिक नेस्ले, यू डिडंट पिक लेट्स से एक्वाफीना। ये आपका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है कि मैंने नेस्ले ही पीना। ये एटीट्यूड मैयर करना आसान है, दे आर वेरी मच बाइपोलर। बाइपोलर से मतलब है कि एक्सट्रीम्स पे होते हैं, इधर यू स्ट्रांगली सपोर्ट और यू स्ट्रांगली अपोज, इधर यू हाईली फेवर और यू हाईली डिसफेवर, इधर यू से इट्स वेरी गुड और यू से इट्स वेरी बैड। तो ये बाइपोलर होते हैं, पसंद नापसंद। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो यू आर वेरी क्लियर कि मुझे खाने में टीडे नहीं पसंद, मुझे खाने में सब्जी नहीं पसंद, मुझे बिरयानी पसंद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। आपकी आपको कलर कौन सा पसंद है, यू से जी मुझे ब्लू कलर पसंद है, आपको मोबाइल कौन सा पसंद है, ये सारे आपके एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स हैं। लाइक ये वो एटीट्यूड्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, यू नो दैम। इसके बरक्स कुछ एटीट्यूड्स आपके इम्प्लिसिट होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होते हैं। ये वो एटीट्यूड्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते एंड दे आर अनएक्नॉलेज्ड। ये आपके अंडरलाइंग मॉरल्स, बिलीव्स और वैल्यूज पे बेस करते हैं। इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं इनको हम एज्यूम करके सही चलते हैं, हम इन्हें क्वेश्चन करने की हार्ड पोजिशन में नहीं होते ना। वी आर नेवर विलिंग टू क्वेश्चन आवर रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वननेस ऑफ अल्लाह, अब वननेस ऑफ अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है हम इसे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे और हम इस एटीट्यूड को सही मान के चलेंगे,
ये इम्प्लिसिट एटीट्यूड आर बेसिकली योर बिलीफ, जो हमने कल्चर में पढ़ा था ना, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है जिसे आप अंडरलाइंग अजम्पशंस कहते हैं, तो इम्प्लिसिट एटीट्यूड डिटरमिन योर अंडरलाइंग अजम्पशंस। इम्प्लिसिट एटीट्यूड जो है ये आपकी अंडरलाइंग अजम्पशंस को फॉर्म करते हैं। आप अपने एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल और यू विल नॉट बी एबल टू शेप योर इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स। आप अपने जो जिन एटीट्यूड से आप आगाह होते हैं, अवेयर होते हैं, उनको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट जिन एटीट्यूड से आप आगाह नहीं होते उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फिर कल्चर टू कल्चर एटीट्यूड वेरी करते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएशन इन कल्चर, हेरिटेज, मॉरल बिलीफ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके एटीट्यूड्स को शेप करती हैं। बड़ी सी, बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है, एक बंदा जो है जिसका ब्रॉट अप एक थोड़े मॉडर्न एनवायरनमेंट में है, उसका जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स है टुवर्ड मॉडर्निज्म वो बड़ा पॉजिटिव होगा, वो उसके लिए ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होगी मॉडर्निज्म। लेकिन जैसे इमेजिन एक बंदा जिसने बचपन से बड़ा कंजर्वेटिव माहौल देखा है घर में, जिसने घर में बचपन से एक बड़ा लिमिटेड सा माहौल देखा है, उसके लिए मॉडर्निज्म जो है वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है, उसका इम्प्लिसिट एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव होगा। इसी तो सेंसिटिविटी जो होती है ना आपकी कल्चर की तरफ और आपके ये जो ब्रॉटअप होता है आपका, ये डिटरमिन करता है कि आपके एटीट्यूड्स किस किस्म के होंगे। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली इन द वर्क एनवायरनमेंट टू बी सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स आर और उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, स्पेशली अगर आप एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ डाइवर्स एनवायरनमेंट, तो डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर फिर ये होता है कि अब एक ही छत के नीचे फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू भी काम कर रहा है और एक मुसलमान भी काम कर रहा है। अब हिंदू के अपने रिलीजियस बिलीव्स हैं, उसके अपने रिचुअल्स हैं, उसके अपने कल्चर हैं, मुसलमान के अपने बिलीव्स हैं। ठीक है ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि दूसरे लोगों के बिलीव सिस्टम्स क्या हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने एटीट्यूड्स को फिर जो है वो फॉर्म कर सकें। तो एटीट्यूड्स जो हैं बहुत सारे फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड्स को। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो जेनेटिक वेरिएबल्स हैं, हेरिडिटरी वेरिएबल, हमारी जीन्स में कुछ चीज़ होती हैं। कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ लोग पेशेंट होते हैं, ये उनका एटीट्यूड होता है। कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा कुछ में ज़्यादा होता है। फिर पेट्रियोटिज्म, ये भी एक इम्प्लिसिट एटीट्यूड है। आप कितने हुब्बुल वतन हैं, आप में मुहिब्बे वतन हैं, हुब्बुल वतनी कितनी ज़्यादा है आपके अंदर। मतलब हमें नहीं पता हम कितने पेट्रियॉट हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है क्रिकेट का, तो पता लगता है अच्छा हम तो इतने पेट्रियॉट हैं कि हम सपोर्ट कर रहे होते हैं टीम को। आपकी रिचुअल्स, आपकी सेरेमनीज, आपके सिंबल, आप गौर फरमाएं तो ये सारे कल्चर के फैक्टर्स हैं। यू सी, ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ योर कल्चर, सिंबल, ड्रेस कोड, पावर स्ट्रक्चर्स, एटीट्यूड टू रिस्क। फिर इसके बाद इसमें आप गौर फरमाएं तो हॉफस्टीड का मॉडल भी आ जाता है, लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। ये वाला पॉइंट याद करें, विलियम आउची की थियरी का पॉइंट है, कंसर्न फॉर एम्प्लॉई, लॉन्ग टर्म कंसर्न है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉई का, या फिर कलेक्टिव वर्सेज पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, लेवल ऑफ ट्रस्ट, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लेवल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मैस्कुलिनिटी वर्सेज फेमिनिटी, रिलीजियन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सारे के सारे मेमोराइज नहीं करने, कम से कम इसमें से 4-5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिस बनते हैं एटीट्यूड की, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि लिस्ट डाउन दोस फैक्टर्स दैट फॉर्म एटीट्यूड और दैट बिकम बेसिस ऑफ एन एटीट्यूड, तो फिर आप इन सारे के सारे फैक्टर्स पे कमेंट करने के काबिल हों। सो दीज आर सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। इम्प्लिसिट, नॉर्मली इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स के डिटरमिनेंट्स होते हैं। दीज डिटरमिनेंट्स आर बेसिकली फॉर इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स। आपके जो हिडन, जो आपके मख्फी एटीट्यूड्स होते हैं, उनको ये वाले फैक्टर्स शेप कर रहे होते हैं, और आप अवेयर भी नहीं होते और आपके एटीट्यूड शेप हो रहे होते हैं। आप आगाह भी नहीं होते और आपके एटीट्यूड्स यहाँ पर डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, यू आर नॉट इवन अवेयर और आपके एटीट्यूड फॉर्म हो गए। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि परसेप्शन से एटीट्यूड निकलता है और एटीट्यूड से बिहेवियर निकलते हैं। ये बात थी ना हमारी कि सबसे पहले परसेप्शन होती है। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन के अंदर हम डिटर्मिन करते हैं कि हमारी मीनिंग हम क्या देते हैं किसी भी चीज़ को। परसेप्शन में हमने 5 एरियाज को डिस्कस किया था। हमने डिफाइन किया परसेप्शन को, हमने डिस्कस किया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को शेप करते हैं। परसेप्शन में 5 सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले डिफाइन किया परसेप्शन को, आती कहाँ से है परसेप्शन, फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो शेप करते हैं परसेप्शन को,
फिर हमने डिस्कस किया परसेप्चुअल प्रोसेस को, दूसरा पॉइंट। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया सेंसेशन को परसेप्शन के साथ, तीसरा पॉइंट। फिर हमने परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी की बात की, सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है, कैसे हम सिलेक्टिवली परसीव करते हैं। और फिर हमने परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो हमने कल किया था। तो पांच सब टॉपिक्स देखे हैं। एटीट्यूड्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट आर एटीट्यूड्स, देन वी डिस्कस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीट्यूड्स के, अफेक्टिव कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट कैसे बिहेवियर्स को शेप करता है। फिर हमने दो टाइप्स देखी एटीट्यूड्स की, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, एंड देन वी डिस्कस्ड व्हाट आर द कल्चरल वेरिएशंस दैट फॉर्म योर एटीट्यूड्स। और यहाँ से आगे हम बात करेंगे बिहेवियर्स की। एटीट्यूड से निकलता है बिहेवियर। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ की तरफ आप एटीट्यूड रखते हैं, जिस चीज़ की तरफ आप एटीट्यूड रखते हैं उसे कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा था सिलेक्टिव परसेप्शन में फ्रीक्वेंसी रेपिटेशन की बात हुई थी। नॉर्मली लोग जिन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स की तरफ लोगों की फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा होती है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है उसकी तरफ। फॉर एग्जाम्पल टीवी के ऊपर गोरमे कोला की रोज़ ऐड आ रही है एंड यू आर अ फ्रीक्वेंट कंज्यूमर ऑफ कोका कोला, लेकिन वो बार 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 ऐड दे रहे हैं। अच्छा, इनिशियली यू डोंट लाइक कोका कोला, इनिशियली आपके ख्याल में कोक सॉरी गोरमे कोला अच्छा ब्रांड नहीं है, इनिशियली आपका एटीट्यूड नेगेटिव है गोरमे कोला की तरफ, लेकिन इतनी दफ़ा उन्होंने ऐड चला दिया टीवी पे कि आप कहते हैं यार एक दफ़ा पी के तो देखें, लेट्स एटलीस्ट ट्राई इट वंस, देखें तो सही कैसी है, इतना ऐड आ रहा है टीवी पे। फिर जब आप एक दफ़ा पीते हैं तो आपको लगता है ओहो ये तो इतनी बुरी नहीं है, तो अच्छी है, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट टू कंज्यूम, आपका ऑटोमेटिकली एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। तो नॉर्मली जिन चीज़ों की तरफ हमारा एक्सपोजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनकी तरफ हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बिल्ड हो जाता है। वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी आर एक्सपोज क्वाइट फ्रीक्वेंटली। जिन चीज़ों की तरफ हम फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं उनकी तरफ हमारा एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव बिल्ड हो जाता है। अच्छा, एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। एटीट्यूड को चेंज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, देर आर डिफरेंट वेज टू चेंज एटीट्यूड्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन तरीका है इफेक्टिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। अगर आपने किसी का एटीट्यूड चेंज करना है तो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी परसुएसिव होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज के साथ, ट्रस्टवर्दीनेस के साथ और पर्सनल लेवल पे अगर होगी तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। मार्केटिंग वाले ये काम करते हैं बेसिकली। मार्केटिंग वाले जो हैं वो कैसे आपका एटीट्यूड चेंज करते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड दे मेक श्योर कि आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो टूवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जो आपकी टारगेट करेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉर्मली मोर इंटेलिजेंट पीपल आर लेस लाइकली टू बी परसुएडेड बाय वन साइडेड मैसेजेस। पीपल ऑफ मॉडरेट सेल्फ एस्टीम टेंड टू बी मोर इजीली परसुएडेड देन पीपल विद हाई और लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हम पढ़ेंगे जाके सेवन चैप्टर में, मोटिवेशन में आएगा। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपने बारे में कितनी आला और अरफा राय रखता है। मतलब एक इंसान कहेगा जी मैं, उसकी ईगो, मतलब चले अगर मैं ऐसे बहुत ही क्रूड लेवल में बात करूं तो ईगो को हम सेल्फ एस्टीम कह देते हैं। इफ़ यू आर ईगोइस्टिक फॉर एग्जाम्पल तो इसे कहते हैं आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। मतलब नॉर्मली ईगो इज नॉट सेल्फ एस्टीम बट स्टिल चले अगर मैं ऐसे क्रूड लेवल में पुट करूँ तो जिन लोगों की ईगो हाई होती है कहते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई है, जिनकी ईगो बहुत लो होती है हम कहते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम लो। तो नॉर्मली जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम मॉडरेट होती है, मुनासिब होती है, उनको परसुएट करना आसान होता है। जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, और जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है उन वो एक्सेप्ट करना, मतलब हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग करना चाहते नहीं है, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट वट एवर यू आर ट्राइंग टू परसुएट। और लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है ना, इन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बड़ी महदूद होती है और ये अपने एटीट्यूड को चेंज करना नहीं चाह रहे होते, ठीक है। तो बेसिकली जब आप किसी भी वे में कम्युनिकेट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप अगर आपने किसी का एटीट्यूड चेंज करना है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, आप लोग इंशाल्लाह जब कल को वर्क प्लेस पे ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे, जॉब्स पे जाएंगे, फर्म में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सिचुएशंस में क्लाइंट का, अपने पीयर्स का, अपने कॉलीग्स का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड। वो एटीट्यूड चेंज करने के लिए फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कितने परसुएसिव हैं, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कितनी अच्छी है, आप कितना इफेक्टिवली किसी को अपनी बात समझा सकते हैं,
आप कितनी इजीली अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो आपको परसुएसिव बनाएंगे, आपके एटीट्यूड, किसी के एटीट्यूड फॉर्मेशन में आपका रोल डिफाइन करेंगे, और इमोशंस इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एटीट्यूड चेंज करने के लिए इमोशंस बड़े ज़रूरी होते हैं, और मार्केटर्स इसका अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अगर कोई हेल्थ कंपेन चला रहे हैं आपने, अच्छा इसकी और एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मिलती है एटीट्यूड में इमोशंस को लेके आना। सिगरेट के पैकेट के ऊपर वो जो कैंसर की एक बड़ी बुरी और बड़ी हैबतनाक तस्वीर बनी होती है, देखी कभी किसी ने, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट्स हैं, इम्पोर्टेड नहीं, उनके पैकेट्स पे, बेंसन एंड हेजिस के पैकेट पे या गोल्ड लीफ के पैकेट पे आप देखें तो उन्होंने कितनी बुरी तस्वीर बनाई होती है, थ्रॉट कैंसर की, माउथ कैंसर की, देखें। अब वो तस्वीर क्या करती है, वो तस्वीर बेसिकली एक इमोशन को ट्रिगर करती है, वो इमोशन है फियर। वो तस्वीर जो है वो आपके इमोशन को ट्रिगर करती है, एंड दैट पिक्चर इज मेंट टू चेंज योर एटीट्यूड, दैट पिक्चर इज मेंट टू चेंज योर एटीट्यूड, कि आप सिगरेट की तरफ अपना एटीट्यूड नेगेटिव कर लें कि नहीं यार सिगरेट नहीं पीनी, अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जितनी मर्जी उसके ऊपर कमेंट किए जाएं, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है, आप जितनी मर्जी ट्रस्ट वर्दी और पर्सनल लेवल पे आप कम्युनिकेशन करें, लोग कभी भी कन्विंस नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप तस्वीर लगा देंगे ना उसके ऊपर, वो माउथ कैंसर वाली, तो लोग जल्दी कन्विंस हो जाएंगे, शायद लोग जल्दी स्मोकिंग छोड़ देंगे, डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो हैं वो फिर उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएंगे कि इफ इफ आई एम नॉट गोइंग टू क्विट स्मोकिंग सो दैट माइट ऑल्सो अफेक्ट मी, यू सी। इसे इसी कॉन्सेप्ट से एक बड़ी मजे की और बड़ी छोटी सी थ्योरी आती है, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन ये कहती है कि जब आपको लगे कि आपका एक पर्टिकुलर एक्शन दूसरे पसंद करते हैं और दे एक्चुअली वांट यू टू रिपीट दैट एक्शन, तो चांसेस आर ग्रेटर कि आप वो एक्शन रिपीट करेंगे, आप बिहेवियर को रिपीट करेंगे। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है बच्चों के साथ, आपके घरों में बच्चे होंगे डेफिनेटली, भी आपके शायद नहीं होंगे, आपके छोटे छोटे सिबलिंग्स होंगे या आपके भांजे भतीजियाँ होंगे। आपने कभी नोट किया 2-3 साल का बच्चा हो और वो अगर कोई एक्ट करे तो हम उसे कितनी हम तालियां बजाते हैं, अच्छा बेटा एक दफ़ा और करके दिखाओ, एक दफ़ा और करके दिखाओ, ठीक है ना, और वो बच्चा फिर वही दोबारा वर्ड बोलता है या उसी तरह एक्ट करता है। नोट किया है कभी आपने, वो बच्चा दोबारा एक्ट क्यों करता है, क्योंकि उस बच्चे को ये सेंस मिल रही है कि जो उसका एक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड सिग्निफिकेंट अदर्स वॉन्ट द चिल्ड दैट चाइल्ड टू परफॉर्म दैट बिहेवियर, तो चांसेस आर देयर कि वो दोबारा बिहेव करेगा। छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी हरकतें ना बड़ी पसंद आती है ना घरों में, ठीक। तो एक बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड बोला, ठीक है, और वो 3-4 लोग बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हुए हैं, खाला हैं, फूफियाँ बैठी हुई हैं, ताए चाचे बैठे हुए हैं, तो आप फौरन बच्चे को दोबारा जो है मोटिवेट करते हैं, अच्छा बेटा दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा करके दिखाओ। अब उस बच्चे को ये सेंस दे रहे हैं आप कि उसका जो बिहेवियर है वो इम्पोर्टेंट है, नंबर वन, वो पॉजिटिव है, और सिग्निफिकेंट अदर्स चाहते हैं कि वो बिहेवियर रिपीट हो। जब ये सेंस आप उस बच्चे को देंगे तो चांसेस विल बी हायर, दे आर मोर लाइकली टू बिहेव इन दैट वे, उसका उस बिहेवियर को रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, वर्क प्लेस के ऊपर भी ये थ्योरी फिट होती है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई बड़ा पंक्चुअल है, एक एम्प्लॉई बड़ा रेगुलर है, अच्छा जब भी वो ऑफिस में पंक्चुअल होता है, टाइम पे आता है, तो पूरा ऑफिस, जो ऑफिस है उसे अप्रिशिएट करता है, उसे बॉस दफ्तर में बुला के उसे शाबाश देता है कि बहुत अच्छी बात है तुम बहुत टाइम पे आते हो, बाकी लोगों को भी तुम्हें फॉलो करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट जो है ये थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन का रोल प्ले करेगी, और उस इंसान को आप ये रियलाइज करवा देंगे कि उसका वो जो पंक्चुअलिटी का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, और सिग्निफिकेंट अदर्स चाहते हैं कि वो बिहेवियर रिपीट होता रहे, तो चांसेस आर देयर कि वो बंदा फ्यूचर में भी टाइम पे आता रहेगा। अच्छा, एक बंदा बड़ा पंक्चुअल है लेकिन बाकी दफ्तर के लोग पंक्चुअल नहीं है, वो टाइम पे नहीं आते, और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो टाइम पे आ रहा, ना कभी बॉस ने बुला के उसे अप्रिशिएट किया है कि वो बड़ा पंक्चुअल है, तो 2-4 दफ़ा तो वो बंदा टाइम पे आएगा, फिर
फिर वो कहेगा यार मैं भी आराम से स्कूल से नाश्ता करके जाता हूँ, मुझे क्या पड़ी है, मैं नाश्ता छोड़ के चला जाता हूँ 9 बजे दफ्तर पहुँचने के लिए। उसका वो बिहेवियर एलिमिनेट हो जाएगा। ये हम इस थ्योरी को हम रिविजिट करेंगे 7 चैप्टर में जाके, जब हम बात करेंगे री इन्फोर्समेंट थ्योरी की। तो थ्योरी ऑफ रीडेंट एक्शन और थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट, दे गो साइड बाई साइड, ये साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को इंशाल्लाह हम दोबारा देखेंगे 7 चैप्टर में, जब हम बात करेंगे री इन्फोर्समेंट थ्योरी। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट थ्योरी, इस पे 2-3 नंबर का सवाल पेपर में आ सकता है। डिफाइन करने को कह दिया जाए कि थ्योरी ऑफ रीजंड एक्शन क्या होती है, यू माइट बी आस्क्ड टू डिफाइन इट। यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन सो फार? तो आज हमने मेनली एटीट्यूड्स को डिस्कस किया है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफाइंड एंड डिस्कस्ड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। वी हैव डिस्कस्ड इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स। We have discussed cross-cultural variations in the attitudes, and we have aligned attitudes with behavior. और यहाँ पे हमने attitude objects की बात की है, हमने attitudes को change करने की बात की है, और हमने attitudes को theory of reasoned actions की बात की है. So we have changed, we have discussed that how the people carry the same attitude over time. लोग कैसे एक same attitude को over time portray करते हैं, carry करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। जैसे बिहेवियर को चेंज करना आसान है, एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल है, और ये ऐन मुमकिन है कि अच्छा बिहेवियर जल्दी चेंज होता है। और देखें, अगर देखें दो दो तरीके हैं, मतलब चले मैं इसको क्विक ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। देयर आर लाइक टू वेज, दो तरीके अगर हम बात करें ना सॉरी अगर हम बात करें ना फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है, तो सबसे पहले परसेप्शन है। परसेप्शन से एटीट्यूड निकलता है और एटीट्यूड से बिहेवियर निकलता है। ठीक, अगर हम बात करें ना चेंजिंग, चेंज इन एटीट्यूड की, तो पहले बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर से एटीट्यूड चेंज होता है, और एटीट्यूड से आपकी परसेप्शन चेंज होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, आपकी परसेप्शन है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, ये परसेप्शन है आपकी। ठीक, इस परसेप्शन की बेस पे आपने एक एटीट्यूड बिल्ड कर लिया कि चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने मैंने, आई हेट देम, ये आपका एटीट्यूड है, अफेक्टिव कंपोनेंट है, आई हेट देम। और बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है कि अब आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे मार्केट में, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाएंगे, तो आप जैपनीज परचेज करेंगे, चाइनीज परचेज नहीं करेंगे। ओके, डन। अच्छा, आप मार्केट में गए जैपनीज इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट परचेज करने, शॉपकीपर ने कहा जी कि वो जापानीज वाला जो है वो तो मार्केट से शॉर्ट है, ये वाला ले लें, ये चाइनीज भी अच्छा चलता है। अब मजबूरन मजबूरन आप वो चाइनीज प्रोडक्ट परचेज करके ले आए, और जब आपने घर ला के उसे इस्तेमाल किया तो इट वर्क्स फाइन, बिल्कुल सही चला। अब क्या हुआ, आपके बिहेवियर से आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, यार इतना बुरा भी नहीं होता, चाइना का प्रोडक्ट इतना बुरा भी नहीं होता, अब ये आपकी परसेप्शन चेंज हो गई। ठीक, और नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो आप वही चीज परचेज करेंगे। गॉट द पॉइंट? तो जब एटीट्यूड फॉर्म हो रहे होते हैं तो परसेप्शन से एटीट्यूड निकलता है, उससे बिहेवियर निकलता है, और जब चेंज आ रहा होता है तो पहले बिहेवियर चेंज होता है, उससे एटीट्यूड चेंज होता है, उससे परसेप्शन चेंज होती है। सो दैट्स अ वेरी वेरी क्लियर कट लाइन विच वी ड्रॉ इन दिस होल फिनोमेना। ओके, सो टुमारो वी विल कंक्लूड द पार्ट ऑफ एटीट्यूड, मेकिंग यूज ऑफ एटीट्यूड हम लोग कल पढ़ेंगे, एटीट्यूड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और कल हम इंशाल्लाह जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब स्ट्रेस पे जंप करेंगे। ये जाहिद आपके लिए एक वीडियो प्ले करेगा, अभी सेकंड चैप्टर का पहला हाफ आपको दिखाया था हमने एक ऑडियो विजुअल एनिमेटेड वीडियो के अंदर, तो अभी जाहिद जो है वो एक दूसरी वीडियो प्ले करेगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको देखें और फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करें। जी, हर चैप्टर की है। देखिए, अभी आप सिर्फ
देखें, समझें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, फिर लाइक इफ यू वांट, मतलब इट्स अप टू यू, ठीक है, बट जस्ट वॉच इट फॉर नाउ. Welcome to the CAF subject, Business Management and Behavioral Studies. In this video, we shall discuss some further topics relating to management concepts. Management concepts constitute 25% of the ICAP syllabus grid. In this video, we will discuss modern management theories of the following theorists: 1. Peter Drucker, 2. Rosabeth Moss Kanter, 3. Henry Mintzberg, 4. William Mauchy, 5. McGregor, and 6. Management Science Approach. Peter Drucker suggested that there are 5 areas or categories of management responsibility. 1. Setting objectives. 2. Organizing work. 3. Motivating employees and establishing appropriate communication channels. 4. Measuring performance. 5. Developing people. Testing in ICAP exams, Spring 15, Marks 8. Question number 2. AX Textile Mills Limited is engaged in the business of weaving of clothes. ATML has shown good performance and achieved high rates of return on investment during the preceding 5 years. Explain in the context of Peter Drucker's management theory the factors which may have contributed towards the good performance of ATML. Suggested answer by ICAP. You can see that ICAP has discussed in solution Drucker's 5 areas of management responsibility. 1. Setting objectives. 2. Organizing work. 3. Motivating employees and establishing appropriate communication channels. 4. Measuring performance. 5. Developing people or employees. Peter disagreed with Fayol that general principles of management apply to managers in all types of organizations. He argued that managing commercial business is different from managing other types of organizations, as manager has a key responsibility for key performance of the business. Drucker therefore suggested that there are 3 aspects to responsibilities of managers. 1. Managing the business. 2. Managing managers. 3. Managing workers and their work. Rosabeth Moss Kanter. She worked on inefficiencies of modern bureaucracy and what organizations need to do to succeed. She argued that over time, traditional bureaucratic organizations had become unacceptably slow. A long hierarchical chain of command meant that information passed slowly through the organization and decisions took a long time to make. The business world had changed. Economic circumstances were different. Competition had increased. Pace of change was much faster. And new technology had made the old ways of doing things within organizations very inefficient. In her book, Teaching Elephants to Dance 1989, she argued that today's corporate elephants need to learn to dance as nimbly and speedily as mice if they are to survive in an increasingly competitive and rapidly changing environment. Kanter argued that rebirth and success of business organizations depends on innovation, entrepreneurship, and participative management.
Henry Mintzberg. Mintzberg suggested that reality is different than the role of managers described by Fayol, that were to plan, organize, command, coordinate, and control. His research into activities of the managers made the following discoveries. Number one, planning is done on day-to-day basis when time permits between more urgent to immediate tasks. Number two, managers spend some of their time on ceremonial nature duties, such as meeting with important visitors. Number three, managers prefer informal verbal communication to formal written communication. Number four, management activities and decisions are based largely on judgment and intuition. Mintzberg suggested the managers perform three main roles, which can be further analyzed into 10 different functions. Number one, interpersonal role as a figurehead, liaison, leader. Number two, informational role as a monitor, disseminator, spokesman. Number three, decision-making role as a initiator or improver and changer, disturbance handler, resource allocator, negotiator. Testing in ICAP exams, Spring 15, Marks 8, question number 1A. An important part of functions of managers involve decision-making activities according to their status in the organization hierarchy and their levels of authorities and responsibilities. Briefly describe the various roles which are performed by managers in their decision-making capacities in business organizations. Answers suggested by ICAP. You can see that ICAP briefly discussed the roles of managers as initiator or improver and changer, disturbance handler, resource allocator, negotiator. Mintzberg also challenged that the bureaucratic organization structure is the ideal form of organization in all circumstances. He suggested that there are following five building blocks in an organization. Number one, strategic apex. Number two, operating core. Number three, middle line. Number four, support staff. Number five, technostructure. Testing in ICAP exams, Autumn 14, Mark 7, question number 9A. Identify and briefly state Mintzberg's five building blocks in a typical organizational structure. You can see ICAP discussed strategic apex, operating core, middle line, support staff, and technostructure. Mintzberg argued that the way in which an organization functions depends on which of these five groups has the greatest influence. Number one, if strategic apex is powerful, then the organization is entrepreneurial. Number two, if technostructure is dominant, then organization will be bureaucratic. Number three, if middle line is dominant, then organization is divisionalized and local managers have extensive authority to run their own division in the way they consider best. Number four, some organizations are dominated by the operating core. For example, universities and hospitals, where teachers and doctors have an exceptionally strong influence. Number five, autocracy, an organization with a complex and disordered structure, making extensive use of teamwork and project-based work. William Ochi Theory Z. William Ochi made a study of Japanese companies and compared them with companies in the US. He put forward his ideas in a book, Theory Z, How American Management Can Meet the Japanese Challenge. The essential features of Theory Z is set below. One, American companies offer short-term employment and Japanese companies offer lifetime employment. Theory Z says companies should offer long-term employment, not necessarily for life, but much longer than current average in the US. American companies promote individual decision-making and Japanese companies promote collective decision-making. Theory Z says companies should promote collective decision-making. American companies promote individual responsibility and Japanese companies promote collective responsibility. Theory Z says companies should promote individual responsibility. American companies offer rapid promotions and Japanese companies offer slow evaluation of performance and slow promotion. Theory Z says companies should offer slow evaluation of performance and slow promotion.
American companies implement formal controls and Japanese companies implement informal controls. Terry D says companies should implement informal controls with formal control contracts. American companies offer specialized career paths for employees and Japanese companies offer non-specialized career paths for employees. Terry D says companies should offer moderately specialized career paths to employees. American companies have concern for employee as an employee, and Japanese companies have wider concern for employee as person. Terry Z says companies should have wider concern for employee as a person and have concern for the family of the employee. Testing in ICAP exams, Autumn 16, Mark 6, question number 2B. State the important characteristics of Japanese companies as illustrated by William Ochi in Theory C. Answer suggested by ICAP. You can see that ICAP discussed the following characteristics: lifetime employment, collective decision making, collective responsibility, slow evaluation of performance and slow promotions, informal control mechanism, non-specialized career path, wider concern for employees as a person. People, supply chain management, scheduling.